जैसा कि देख सकते हैं, ये है करिश्मा एक्स एम आर जो कि 2023 मॉडल है और 2023 में ये लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक्स एम आर लिखा हुआ जो कि काफी प्रीमियम लुक में आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे 3D लोगो में आपको करिश्मा लिखा हुआ मिलेगा, साथ में यहाँ पे एक्स एम आर जो आपका नॉर्मल स्टिकर में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाइएगा तो साथ में आपको हीरो का बैचिंग और हीरो का लोगो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट में आपको एरोडायनामिक वाइजर भी मिलेगा जो कि ये फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए आप यहां से देखिए वाइजर लिखा हुआ, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको आपको ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में देखिएगा तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिरर मिलेगा जो कि इस बाइक में काफी आपको लुकिंग वाइज लगेगा, जो कि प्रीमियम लुकिंग लगेगा। और साथ में यहाँ नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे हीरो का बैचिंग आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो लाइट आपको DRL लाइट और प्रोजेक्टर लाइट मिलेगा। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एस शेप में आपको ये DRL मिलेगा, प्लस साथ में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में हजार लाइट के साथ में यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, देख रहे हैं, जो कि 3 बल्ब के साथ में ये आता है, कैमरा में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। और साथ में यहाँ पे देखिएगा तो डबल चैनल ABS के साथ में आएगा, जो कि फ्रंट में भी आपका ABS ब्रेक लगा हुआ है और रियर में भी ABS ब्रेक लगा हुआ है। और साथ में यहाँ देखिएगा तो 2 रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिलेगा जो कि सेफ्टी के पर्पस में बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ABS तो ब्रेकिंग लगा ही हुआ है, साथ में आपको MRF का टायर को मिलेगा। और यहाँ पे 100x80 का ये टायर का साइज देखने को मिलेगा। बाकी एलॉय रिंग देख सकते हैं, काफी प्रीमियम लुक में आपको एलॉय रिंग भी देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले वाइज काफी आपको लुकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया मिलेगा, क्योंकि तो एक छोटा सा आपको स्क्रीन मिलेगा। और साथ में यहाँ पे ये है हीरो का आपको की, देखिए यहाँ हीरो का आपको लोगो देखने को मिलेगा और लिखा हुआ भी है, 2 की आपको साथ में मिलेगा। आप इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ऑन करने के साथ में आपको कुछ इस प्रकार को दिखने के पहले मिलेगा। सबसे पहले न्यूट्रल मीटर है और इंजन लाइट का है, फिर आपका ये साइड स्टैंड का है, फिर आपका यहाँ पे बैटरी का आपका कितना ये चार्ज बचा हुआ वो भी शो करेगा। ये एक अच्छा चीज़ है कार की, जैसा आपको यहाँ पे शो होगा, प्लस ABS लगा हुआ उसका भी आपको सिंबल हो रहा है, लो फ्यूल उसका भी शो करेगा, और हजार लाइट का या लाइट इंडिकेटर का देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे स्विचेस भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रीमियम मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये हजार लाइट का है, इसको आप अगर ऑन कर देंगे तो हजार लाइट आपका ऑन होगा। और साथ में यहाँ पे इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पासिंग लाइट को आपको मिलेगा, साथ में इसको आप मीटर को यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे टाइमिंग वाइमिंग को लेकर। देखिए जैसे आप यहाँ से बटन को अगर आप दबाते हैं तो यहाँ से आपका काम करना ये स्टार्ट हो जाता है, क्या एवरेज दे रहा है, कितना किलोमीटर चले, ये पूरा आपका शो करेगा। और साथ में आपको यहाँ फुल टैंक में E20 जो कि ये पहचान है, लेटेस्ट BS6 गाड़ी का ये पहचान है, E20 इथेनॉल के साथ में ये आता है। बाकी आप सीट का अगर देख सकते हैं तो सीट आपको डबल सीट के साथ में मिलेगा, जो कि सीट भी इसका बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल बाइक है। और यहाँ से आप एक सीट को खोलने का ये ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर गियर शिफ्टिंग का बात करें तो इसमें आपको 6 गियर मिलेगा, 1 गियर जो है आपका डाउन रहेगा, बाकी सारा ऊपर में रहेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये साड़ी गार्ड हो गया, सेफ्टी के पर्पस में ये दिया हुआ है साड़ी गार्ड आपको। अभी ये तो नई गाड़ी है तो ये खुला हुआ नहीं है, प्लास्टिक से ये कवर है, जब आप गाड़ी डिलीवर लेते हैं तो ये सारा आपको खोल के ही मिलता है। और पीछे का टायर देख सकते हैं तो पीछे का टायर आपको 140x70 को देखने को मिलेगा। पीछे भी आपका ये ABS ब्रेक में लगा हुआ है, डबल ABS के साथ में आएगा। और इसका है एग्जॉस्ट, देख सकते हैं एग्जॉस्ट इसका, मैं आवाज़ भी आपको एक बार ऑन करके दिखाऊंगा किस प्रकार की इसका आवाज़ है। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे आपको
रखने के लिए काफी ये बढ़िया सा आपका फ्लेक्सिबल ये दिया हुआ है। बाकी ब्रेकिंग के लिए देख सकते हैं। तो अब इस गाड़ी का अगर फुल टैंक की बात करें तो फुल टैंक ये आपको 12 लीटर का मिलेगा, और ओवरऑल इस गाड़ी का अगर लेंथ की बात करें तो 2068 mm को मिलेगा, और व्हील बेस जो है आपका 1351 mm को मिलेगा। और जो बहुत लोग कमेंट में था कि इसका सीट का हाइट कितना होता है, तो सीट का हाइट आपको 810 mm को मिलेगा और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm को मिलेगा। और मेन चीज इस गाड़ी का अगर वेट की बात करें तो आपको 163.5 यानी 100 राउंड फिगर 164 किलो आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए आप इस गाड़ी का अगर हम पूरा डिटेल का बात करते हैं इंजन में, इंजन में 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर के साथ में आएगा जो कि लिक्विड कूल्ड के साथ में रहेगा। और सीसी की बात करें तो 210 सीसी को मिलेगा जो कि 25.5 PS का ये पावर जनरेट करता है और 20.5 का मैक्स टॉर्क पावर करता है। अगर इस गाड़ी का माइलेज की बात करें तो माइलेज तो आपको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, इसका माइलेज अगर गाड़ी में का चलिएगा तो 35 to 40 का ये एवरेज आपको सिटी में ये निकालेगा। बाकी इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क के साथ में आपको सस्पेंशन मिलेगा और रियर में गैस चार्जेड मोनोशॉक 6 स्टेप लोडेड हाइड्रोलिक एडजस्टेबल आपको मिलेगा। और साथ में आपको बाकी आपको अगर रियर में देखिएगा तो रियर में कुछ प्रकार इस प्रकार का ग्रेविल मिलेगा, और साथ में यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट है आपको पीछे बैक में यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ ये आपको मिलेगा। इस बाइक का अगर एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस हम लोग इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि एक शोरूम प्राइस जो है लगभग हर स्टेट में एक ही होता है लेकिन ऑन रोड प्राइस अलग अलग होता है। तो रांची में जो है आपका एक शोरूम प्राइस जो है 1,72,900 है और ऑन रोड प्राइस जो है 2,04,353 रुपया है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का फीडबैक आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोग का इस बाइक को रिव्यू में लगा, और कमेंट करके ही बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।